I played it in. सो है गाइस बैक आफ्टर अगेन टू डेज गाइस इस दो दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं किया क्योंकि गाइस मेरा जो लास्ट वीडियो है वो मैं देख रहा था भाई वन के व्यूज होने ही वाला है उसमें इसीलिए जस्ट उस दो दिन इसलिए वीडियो अपलोड नहीं किया बैठा हुआ था वन के कब होगा एंड विद इन वन एंड हाफ डे यू पीपल जस्ट हेल्प मी इन हिटिंग वन के व्यूज़ गाइज थैंक यू सो मच ये करने के लिए वन के व्यूज़ वन एंड हाफ डेज में हो गया सो so गाइस आज का वीडियो है पिछला वीडियो का सेकंड पार्ट पिछला मतलब कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था एक्डियम फिश प्राइस लिस्ट 2021 उसमें मैं जस्ट नॉर्मल फिशेस कवर किया था आज कवर कौन सा करूंगा मॉन्स्टर फिशेस एंड सेमी मॉन्स्टर भी कुछ कवर करूंगा सो so गाइस आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो को पूरा एंड तक देखना आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छे लगे वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर भी नहीं होते सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना चलिए गाइस आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं सो गाइस पहले ही शुरू करता हूँ एरोवाना से सबसे फेमस मॉन्स्टर फिश सो so गैस एरोवाना का प्राइस जैसे आप लोग देखे थंबनेल में स्टार्टिंग हो जाता है फाइव हंड्रेड रुपीज से पर फाइव हंड्रेड में आपको कौन सा मिलेगा सिल्वर एरोवाना से फाइव हंड्रेड देखिए एकदम नॉर्मली कोलकाता में ये सब जगह में मिल जाएगा पर हम लोग का लोकल एरिया में थोड़ा प्राइस ज़्यादा होगा जैसे सेवन हंड्रेड एट हंड्रेड ऐसा चला जाएगा और कोलकाता से अगर प्राइस कंपेयर करें तो उधर फाइव हंड्रेड में मिल जाता है लॉकडाउन के पहले थोड़ा कम होता था अभी फाइव ही बोल सकते हैं अप्रॉक्स स्टार्टिंग प्राइस गाइस एल्बिनो सिल्वर लेंगे तो शायद 1500-2000 तक भी चला जाएगा उसके बाद और भी है रेड चिली है उसके बाद 1.5 है 24 कैरेट गोल्ड है और भी ऐसा बहुत है मतलब अगर बोलूं एरोवाना का प्राइस रेंज तो स्टार्ट होता है 500 से और एंड होता है दो लाख ढाई लाख तक यह है एरोना का प्राइस रेंज और इसका मिडिल में जो साइज़ है वो भी मैटर करता है सिल्वर एरोवाना पाँच सौ रुपये में शायद तीन चार इंच ऐसा मिल जाएगा उससे अगर बड़ा लेंगे सपोज एक फिट का लिए तो लगभग हज़ार बारह सौ ऐसा पड़ जाएगा इसलिए साइज़ भी मैटर करता है नेक्स्ट जो है वो है एलिगेटर घर एलिगेटर कार का भी प्राइस एलोवाना का लगभग सेम ही है साढ़े चार सौ पाँच सौ में मिल जाता है कोलकाता में हम लोग का लोकल में सात सौ आठ सौ ऐसे करके छोटा साइज़ सपोज ढाई तीन इंच का ऐसे मिल जाता है पर उससे बड़ा लेंगे तो प्राइस हाई चला जाएगा जैसे पाँच छः इंच बारह सौ तेरह सौ चौदह सौ ऐसा रुपये में बिकता है एलिगेटर गार और एक है एलिगेटर तो नहीं बोल सकते तो फ्लोरिडा गार और एक है स्पॉटेड कार स्पॉटेड गार बहुत ही अभी कम मिलता है उतना मिलता ही नहीं है स्पॉटेड uh, गार का भी प्राइस बारह सौ तेरह सौ होता है और uh, जो फ्लोरिडा फ्लोरिडागार है उसका प्राइस उससे दो सौ ढाई सौ तीन सौ ऐसा ज़्यादा होता है मतलब पंद्रह सौ पकड़ सकते हैं छोटा का बोलो बड़ा नहीं एलिगेटर गार से स्पॉटेड गार और फ्लोरिडा फ्लोरिडागार का प्राइस जो है ज़्यादा होता है नेक्स्ट जो है वो है रिवर मॉन्स्टर और असली मॉन्स्टर फिश बोल सकते हैं वो है एरापाइमा एरापाइमा का प्राइस आई थिंक सेकेंड हाइस्ट है मॉन्स्टर फिश में मतलब नॉर्मल अगर बोलो सबसे हाई तो भाई एरोवाना ही बोलेंगे भाई एरोवाना दो लाख ढाई लाख तक मिलता है पर नॉर्मल बोल रहा हूँ मैं नॉर्मल एरोवाना से कंपेयर कर रहा हूँ सिल्वर से तो गाइस एरापाइमा का सेकंड हाइस्ट में आता है अगर नॉर्मल एरोवाना से कंपेयर करे तो सो so, गाइस एरापाइमा का जो प्राइस अभी लॉकडाउन के बाद हुआ है वो लगभग साढ़े छः सात हज़ार से शुरू होता है और बड़ा लेंगे तो भाई बहुत ही ज़्यादा प्राइस पड़ जाएगा कुछ कुछ जगह आठ हज़ार ऐसे भी मिल रहा है नेक्स्ट है स्टिंगड़े स्टिंगड़े आई थिंक मतलब नॉर्मल मॉन्स्टर फिश में आई थिंक सबसे कॉस्टली फिश होता है स्टिंगड़े देखिए बहुत टाइप का होता है मोटोरो हाइब्रिड ब्लैक डायमंड सबसे कम प्राइस आई थिंक जो है वो है मोटोरो जो कि लगभग साढ़े तीन हज़ार चार हज़ार ऐसा में मिल जाता है और अगर ब्लैक डायमंड खरीदेंगे तो सबसे ज़्यादा जैसे बाईस हज़ार चौबीस हज़ार ऐसे पड़ जाएगा नेक्स्ट है गोलियार टाइगर गोलियार टाइगर टाइगर जो है अभी बहुत ही रेयर है बहुत ही रेयर मिलता है इसका प्राइस जो लगभग मैं लास्ट टाइम देखा था स्टार्टिंग है वो है साढ़े आठ सौ रुपया गोलियार टाइगर एलिगेटर, गार्ड जैसा उन लोग का टीथ्स होता है आप लोग देखे होंगे और बहुत ही डेंजरस टाइप का फिश भी होता है नेक्स्ट है गूंज कैटफिश और इसका प्राइस लेके मेरा कोई आइडिया नहीं है क्यों नहीं है ये गाइस मैं आप लोग से पूछना चाहता आप लोग अगर जहां पे रहते हैं उस एरिया में अगर गुंज कैटफिश मिलता है तो मेरे को प्राइस कमेंट करके बोलिए क्योंकि हम लोग के इधर गूंज कैटफिश अभी मिलता ही नहीं है कहाँ चला गया मछली क्या पता मतलब बोल सकते इंडेंजर्ड हो रहा है गूंज आप लोग के अगर उधर मिलता है तो मेरे को प्राइस कमेंट करके बोल सकते हैं सो गाइस नेक्स्ट जो फिश है वो है स्टारजन फिश स्टारजन फिश भी थोड़ा बहुत डेंजरस होता है ज़्यादा डेंजरस भी नहीं पर थोड़ा बहुत होता है और ये भी रेयर हो गया इसीलिए इसका भी अप्रॉक्स प्राइस अभी और नहीं बोल सकता है क्योंकि ये बहुत ही कम मिलता है अभी हम लोग के इधर मिलता ही नहीं है गोली हटाएगा तब भी कभी कभी, कभी कहीं जगह पर मिल जाता है पर ये जो स्टारजन है स्टारजन मिलता ही नहीं है और तो भाई कहा चला गया क्या पता नेक्स्ट है जायंट गोड़ामी जायट गोड़ामी टोटली मॉन्स्टर तो नहीं बोल सकते पर सेमी मॉन्स्टर जरूर बोल सकते हैं इसका प्राइस लगभग कोलकाता में ढाई सौ तीन सौ ऐसा रुपया में छोटा वाला स्टार्टिंग हो जाता है इसका और एक है जो है रेड टेल जाएंट गोडामी उसका प्राइस आ, थोड़ा ज़्यादा होता है बारह सौ ऐसा चला जाता है नेक्स्ट है बहुत ही एक फेमस मॉन्स्टर फिश मेरा फेवरेट मॉन्स्टर फिश जो कि है रेड टेल कैटफिश रेड टेल कैटफिश का प्राइस अगर बोलू अभी लॉकडाउन के बाद तो दो सौ से स्टार्टिंग है पहले जो है एक सौ ऐसे रुपया में भी मिल जाता था अभी जो है छोटा वाला दो रुपिया करके मिल रहा है कोलकाता में हम लोग के इधर थोड़ा प्राइस ज्यादा है नेक्स्ट है और एक फेमस कैटफिश जो कि मेरा सेकंड फेवरेट है मॉन्स्टर में वो है टाइगर सोबेल नोस टाइगर सोबेल नोस का भी प्राइस थोड़ा हाई हुआ है लॉकडाउन के पहले थोड़ा कम था अभी जो है तीन सौ साढ़े तीन सौ ऐसे में मिल रहा है पर बहुत ही कम मतलब ये भी आई थिंक बहुत ही रेयर हो जाएगा धीरे धीरे अभी बहुत ही कम मिल रहा है नेक्स्ट जो है वो है ऑस्कर ऑस्कर तो मॉन्स्टर नहीं बोल सकते सेमी मॉन्स्टर तो भाई इसका प्राइस बीस रुपये से स्टार्टिंग है लोकल वाला इंपोर्टेड लेंगे तो लगभग एक सौ तीस एक सौ चालीस ऐसे करके स्टार्टिंग है जो मैंगो होता है कॉपर का थोड़ा ज़्यादा होता है ऐसे करके होता है छोटा वाला साइज़ बड़ा लेंगे तो भाई और भी ज़्यादा प्राइस होगा नेक्स्ट है और एक रेयर मॉन्स्टर फिश बोल सकते वो है पाड़ून शार्क पारून शार्क मैं लास्ट टाइम जब देखा था कोलकाता में उस टाइम दो सौ रुपया में बिकता था अभी और पारून शार्क मिलता ही नहीं है क्यों नहीं मिलता मेरे को खुद नहीं पता है नेक्स्ट है क्लेरियस कैटफिश क्लेरियस कैटफिश का प्राइस भी लगभग एट्टी रुपीज से स्टार्टिंग है कोलकाता में और इधर थोड़ा ज़्यादा है वन फिफ्टी वन सिक्सटी ऐसे करके स्टार्टिंग है छोटा वाला और यह बहुत जल्दी बड़ा भी होता है बहुत ही बड़ा हो जाता है जैसे आप मेरा प्रीवियस वीडियो में सोत्यजीत पेट्स ब्लॉग का जो टूथ दिया था उसमें देखे होंगे क्लेरियस भी बहुत ही बड़ा होता है सो वी कैन कॉल हिम मॉन्स्टर नेक्स्ट है पीरा बा कैटफिश गाइस ये चीज़ एक नोट डाउन कर लीजिए कि पिराइबा कैटफिश और टाइगर सोबल नोस दोनों एकदम ही अलग फिश है पिराइबा कैटफिश भी बहुत ही रेयर है पर इसका भी प्राइस वैसा ही सेम है टाइगर सोबल नोस होता है लगभग साढ़े तीन सौ चार सौ ऐसा ही मिलता है पर पिराइबा कैटफिश देखने में भी एकदम डिटो टाइगर सोबल नोस जैसा होता है पर एक, एक फिश नहीं होता है दोनों अलग अलग, अलग स्पीसीज का फिश है गाइस इसको लेकर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा पिराइबा और टाइगर सोबलनोस में डिफरेंस जो है तो गाइस इसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग की पिराइबा बोल के सेलर लोग क्या करते हैं टाइगर सोबलनोस बोल के चला देते हैं ऐसा बहुत कोई करता है इसलिए टाइगर सोबलनोस और पिराइबा में बहुत डिफरेंस है आप लोग गूगल में भी देख सकते हो उनका फोटो उनका फोटो में भी डिफरेंस है इसलिए फ्यूज मत हो जाना सो so गाइस आज का लिस्ट यही था, था ज्यादा बड़ा मैं लिस्ट नहीं करूंगा मैं मॉन्स्टर जो कवर किया हुआ यह है फेमस मॉन्स्टर ऐसा नहीं कि भाई हर एक अगर कवर करूंगा तो भाई वीडियो बहुत ही लंबा चल जाएगा तो गाइस आज मैं फेमस फेमस जो मॉन्स्टर फिश हम लोग कॉमनली पालते हैं वो सबको कवर किया हो सो गाइस आज का वीडियो अगर अच्छा लगा है थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मिल गया है तो गाइस एक वीडियो का लाइक करना लाइक के बिना कहीं मत जाना और चैनल पर ऐसा और वीडियो देखना चाहते हैं आप लोग इन फ्यूचर तो क्या करना होगा सिंपली सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप लोग को नोटिफिक मिल जाए एज सुन एज आई अपलोड ए न्यू वीडियो तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो को यही एंड करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो